मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जहां विपक्ष ने नियोजन नीति को लेकर हंगामा किया है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में लॉबिन हेम्ब्रम का आरोप निश्चित रूप से हेमंत सोरेन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सीधे देख सकते हैं आप, स्थानीय नीति लागू करो, जल जंगल जमीन बचाओ, नियोजन नीति लागू करो, इन मांग को लेकर के लॉबिन हेम्ब्रम जो है वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल लुक में है और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर यही चीज। अकेले जमीन के विधायक क्यों अकेले अकेले आए तो हम अकेले अकेला चलो करना पड़ेगा। अकेला चलो, अकेला चलो, रविंद्र राष्ट्रीय अकेला चलो। तो दादा ये कहाँ तक आप अकेला चलिएगा, चलते कहाँ तक जाएगी? जब तक ये चुप नहीं होगा आप अकेला चलेंगे, करवा बनेगा, करवा बनेगा। आपको उम्मीद है, आपको पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। दादा ठीक है, अंदर रहते हुए अकेला कैसे चलिएगा? बड़ा मुश्किल बात है, जो काम नहीं होगा। एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, मराम बुरु तो आज तक नहीं बता पाए हम लोग। आज तो यही है ना, हम तो संदेश सरकार को देना चाहते हैं। हेमंत जी आपकी बात नहीं सुन, नहीं सुनती है, इसीलिए ना आप ये चीज कर रहे हैं। गुरु जी को बोलिए, गुरु जी को भी बोले हैं, गुरु जी का तो कहना ही यही है, गुरु जी का कहना ही यही है। हम लोग क्या चाहते हैं, जो झारखंड हित में हो, झारखंड वासियों के हित में हो। मुख्यमंत्री जी तो गुमराह कर रहे हैं कि हम 1932 लाएंगे, 32 लाएंगे, आप 32 भी नहीं ला पा रहे हैं और जो था वो भी ख़त्म कर दिए। इसमें तो पीछे जा रहे हैं बेरोजगार, जो पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनको उम्मीद था कि इस बार बहाली निकलेगा, हम बहाल होंगे। मुख्यमंत्री जी तो अपना लूट खसेट, कोयला चोरी, SP DC के माध्यम से, JSM DC के माध्यम से बालू तो लुटवा रहे हैं, टकाटक पैसा गिन रहे हैं, लेकिन बेरोजगार युवक खाने के लिए तरस रहा। चिंता तो उनको मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए ना, जो बोले थे कि 5 लाख हम लोगों को रोजगार देंगे, ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति को 5,000 हम दे भत्ता देंगे, PG वाले को 7,000 देंगे, भाई किसको मिला? मुख्यमंत्री जी गुमराह करने वाले हैं, गुमराह कर रहे हैं, और बड़ा शर्म होता है ऐसे मुख्यमंत्री जिनका उम्र कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं, इनको विकास करना चाहिए, यहाँ सुशासन लाना चाहिए, लेकिन बड़ा दुख के साथ कर रहे हैं कि झारखंड बिहार से भी बदतर हो गया है। और वैसे में महामहिम राज्यपाल को बिना विलंब किए हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। आपने कहा था 5 लाख नौकरी देने की, निश्चित रूप से बहुत लोगों को नौकरी मिलती, लेकिन आपने हमारी सुनी नहीं और अहंकार में चूर होकर आपने नियोजन नीति हमारी रद्दी की टोकरी में फेंका। आपकी नियोजन नीति हाईकोर्ट ने रद्दी की टोकरी में फेंका और फिर से आप हमारी जो रघुवर सरकार की नियोजन नीति है उसी रास्ते पर चल रहे। अब सवाल एक उठता, सवाल यह है कि अगर किसी नौजवान का आयु लैप्स कर गया, अब फॉर्म भरने के लायक नहीं है, तो वैसे नौजवानों की संख्या कम से कम 5 लाख से ज़्यादा है, तो वो नौजवान क्या करेंगे? 5 लाख नहीं बल्कि मैं कहता हूँ 12-15 लाख से ज़्यादा होगी, वो नौजवान क्या करेंगे? क्या हेमंत सोरेन उनके बाल बच्चों का ठेका लेंगे? तो ये पूरी तरह से ये सरकार हठधर्मी सरकार है और इसको एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। गलत बात है, मैं भाजपा को कल भी मैंने कहा था, आपने सुना होगा, क्या आक्रमण कर जाएगा, हल्ला कीजिएगा, नाटक कीजिएगा, नौटंकी कीजिएगा, झाल बजाइएगा वहाँ, यही ना मैं तो कह रहा हूँ कि आइए, अब समय आ गया है कि आप अपना राय तो दीजिए, सुझाव दीजिए सरकार को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुल के कहा है कि आइए और इनवाइट कीजिए, अब सुझाव दीजिए। आक्रामक रूप की बात कर रहे हैं घेरने के लिए, इरफान अंसारी है ना वहाँ, कौन सा आक्रमण? यहाँ अब बफोर्स तो बैठा हुआ है, क्या आक्रमण सर? बदल लेंगे, क्या करेंगे, देखिएगा क्या करेंगे, सदन के अंदर बताएंगे। हम भाजपा के विधायकों से कम इनको सद्बुद्धि दे, आइए राज्य के प्रति गंभीर होइए, कल चुनाव में जाइएगा, किस मुझे जाइएगा आप, खाले आक्रामक रूप दिखा करके ये नहीं हो सकता। चलिए, जब टूटती है आप, जब थकती है सांस,
जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।